हूँ कंटिन्यू करके, देखो स्कैन करता हूँ तो इसके अंदर, अब स्कैनर में देखता हूँ लोडिंग चल रही है। और हेलो गाइस, मैंने मंगाया था एशियन का शूज़, डिलीवरी बॉय आया है आज, उसने मेरे को डिलीवर किया है। वैसे तो जो फ्लिपकार्ट की साइट थी उस पर काफ़ी हाई प्राइस दिखाई रखा था, परंतु उसमें डिस्काउंट चल रहा था, डिस्काउंट में काफ़ी लो प्राइस में मिला मेरे को ये शूज़। अब देखते हैं कि लो प्राइस में अपने को क्या एशियन का वही सेम ही जूता बिल्कुल ओरिजिनल मिला है कि नहीं मिला, अभी मैं चेक करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये ये जूता आया है, अभी अनबॉक्सिंग कर। ये देखो, एक एक में लिफाफा में पैकिंग करके आया है एक, और एक विदाउट पैकिंग करके आया है। अब इसके अंदर देखता हूँ क्या चीज़ है। गाइस देखो, ये आया है जूता, इसके अंदर, अब इसके अंदर देखता हूँ इसके अंदर को। एशियन में वैसे तो क्वालिटी है, इसमें एशियन का यहाँ पे साइन होता है, इसमें साइन नहीं है एशियन का, और इसमें गुड एक मार्कर भी आता है, उसमें दिखाया था। तो वैसे इसके अंदर यहाँ पे तो दिखा रखा है एशियन का, और ये देखो ये रहा इसके अंदर का दिखा रहा है। ये देखो, ये गुड वाला निशान है ना, यहाँ पे होना चाहिए था। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितने भी जूते देखे थे वैसे उसके अंदर जो साइड पे दिखा रखे थे, परंतु तो इसके अंदर नहीं आया। और ये देखो, एशियन का अंदर भी मार्क दिया हुआ है, बाकी जो जूते होते हैं जैसे नाइकी वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे मार्क दिया होता है, परंतु तो इसमें मार्क नहीं है। देखते हैं इसमें, ये देखो इसका एक बॉक्स में दिखाता हूँ आपको, दूसरे जूते पे भी कुछ नहीं दिया, एक हाँ एक स्लिप सी आई है ये जूते की, इसके अंदर ये एशियन का मार्क दिया हुआ है, परंतु इसको इसके साथ टैग करके नहीं दिया, टैग करके नहीं दिया। अब मैं इसके डब्बे के ऊपर जाता हूँ, तो इसका ये है बॉक्स, इस बॉक्स में ये देखो ये बॉक्स है, इसमें ये मार्क है। इसको QR स्कैन करके देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं इसमें कि QR स्कैन से होता है क्या। वैसे इसके अंदर जो इसका ये कागज़ है, इसमें तो एशियन का मार्क दिया हुआ है, एशियन का मार्क दिया। और इसके अंदर और देखता हूँ क्या कुछ है इसके अंदर, इसके अंदर और गाइज ये देखो, ये तो सभी ब्रांडेड जूते में आते ही आपको बताइए है, परंतु एक बात बताऊँ, ये लिफाफे है, जो लिफाफे में ऐसे जूते आए हैं तो क्या कहते हैं, ये अपने को सेल में मिलता है कभी कब, अपने ब्रांडेड जूता खरीदा है उसके साथ अपने को ये पैकिंग करके नहीं आता, ओनली के जूते ये खुले आते हैं और इसके अंदर ऐसे पैक करके आते हैं, ठीक है पैक करके आते हैं, परंतु इसके अंदर ना क्या हुआ कि ये पैकिंग करके आया और 200 से 250 रुपये वाले में आता है, आपको पता ही है बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में 200 से 250 रुपये में पैकिंग ऐसे पैकिंग करके आता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया इसके अंदर। और इसका इसको जो एक एक डिफरेंस ये भी है, इसके अंदर ये डब्बे के ऊपर एक मार्क दिया हुआ है, वैसे तो इसमें 1250 रुपये हैं, 1250 रुपये का है, परंतु इसको अपने मैंने इसको ख़रीदा है 547 रुपये में, 547 रुपये में ख़रीदा है। और अगर इसको QR स्कैन करो तो इसके सेम एशियन का पैंट का जो कंपनी है वो दिखानी चाहिए। इसको स्कैन करके दिखाता हूँ अभी आपको, मेरे पास ये फ़ोन है गाइस, मैंने QR कोड का स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लिया है। ये देखो ये स्कैनर है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद मैं इसको अब स्कैन करता हूँ कंटिन्यू करके। ये देखो स्कैन करता हूँ तो इसके अंदर, अब स्कैनर में देखता हूँ लोडिंग चल रही है। और ये देखो अब अलाउ का सिस्टम आ गया है, अब देखो मैं इसको अब करूँगा, ये देखो ओके, ये देखो मैं स्कैन कर रहा हूँ। ये अगर ये ओरिजिनल होता तो तुरंत स्कैन कर लेता, ये देखो काफ़ी टाइम लगा दिया फिर भी उसके बाद ये स्कैन नहीं कर पा रहा। अब देखो मैं स्कैन इसको कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और ये स्कैन नहीं हो रहा। अगर अपने कोई भी और प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको स्कैन करते हैं तो काफ़ी जल्दी से जल्दी स्कैन हो जाता है, परंतु इसमें स्कैन नहीं हुआ। ये देखो मैंने काफ़ी टाइम लगा लिया इस पर और ये देखो स्कैन नहीं हुआ अभी तक, नहीं तो आपको पता ही है गाइस अपने स्कैन करते हैं। ये देखो ये ऊपर की जो इनबॉक्सिंग की ये लिफाफा है, इसको अपने स्कैन करेंगे, ये देखो मिनटों में आ गया, इसमें स्कैन हो गया। ये देखो ये स्कैन हो चुका है, ये देखो स्कैन हो चुका है। इस ये देखो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये भी है, इसके अंदर अपने स्कैन करते हैं और स्कैन नहीं हो पा रहा, स्कैन नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी बात ये है। ये मेरे को लग रहा है बिल्कुल फेक जूता है,
इसके अंदर कहीं पर जूते पर कहीं भी एशियन का मार्क नहीं लगा हुआ, कहीं भी नहीं लगा हुआ, परंतु इसके ऊपर इस पे लगा हुआ है, ये देखो एक अंदर साइड दिया हुआ है। परंतु जो ओरिजिनल साइन है ना, साइन ये जो गुड का निशान होता है, वो गुड का निशान यहाँ पे होता है और एशियन का नाम यहाँ पे लिखा होता है। परंतु मेरे मैंने इसको सारी जगह से देखा और देखने के बाद मेरे को कहीं ऐसा निशान नहीं दिखा अभी तक। मुझे तो लग रहा है ये बिल्कुल फेक है और मैं इसकी रिटर्न डालने वाला हूँ, रिटर्न डाल के डालूँगा और मेरे जो भी पैसे इसके लगे हैं वो वापस लूँगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अच्छा ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। गाइस आपको पता ही चल गया सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इस जूते में, ये अनपैकिंग वाला, ठीक है, इसमें अनपैकिंग होती है। आप अगर आप जब भी साइट पे खरीदना चाहो खरीद लो भी, तो आपके पास घर पे आए तो आप इसका डिफरेंस करके ज़रूर देखना। अगर आपको ऐसा लगे कि ओरिजिनल नहीं है इसको, तो वापस कर दें। मेरी ऐसी नई वीडियो देखने के लिए और भी अपडेट देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।